हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमें एक बार फिर संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम संडे स्कूल शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम लोग जब पिता संडे स्कूल सीखने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु, अपने वचन से हम एक एक से बात कर समझने के लिए आप कृपा दें। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चों, आपको याद है पिछले बार हमने कौन सी कहानी के विषय में सीखा था? पिछली बार हमने देखा था किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दिया, है ना? और आपको मालूम है उनके जान देने के बाद उसके आगे की घटना को हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जान देने के बाद उन्हें यीशु मसीह के जो गुप्त चेले थे उन दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस पर से उतरवाया। और वहाँ से उन्होंने, वहाँ पे अरमतिया नामक एक यूसुफ था, उसने अपनी एक नई कब्र में उस प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर लिटाया, सारे सुगंध द्रव्य और सब चीज़ लगाकर उस नई कब्र में रखा था। और पत्थर, बहुत भारी पत्थर वहाँ पर लगाया हुआ था, उसे ढका हुआ था। लेकिन अब आगे की घटना को हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं क्या होता है। आपको मालूम है आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मरियम मगदलिनी को दर्शन देते हैं। यानी आपको मालूम है क्या घटना घट रही है? प्रभु यीशु मसीह के मरने के 3 दिन के बाद, तीसरे दिन आपको मालूम है क्या होता है? मरियम मगदलिनी, संडे का दिन है, इतवार का दिन था, सुबह सुबह, मतलब सूरज भी नहीं निकला, मतलब अंधेरा ही था, सुबह सुबह दौड़ी हुई आई कब्र के पास, देखा कब्र का पत्थर हटा हुआ है। बोला ये क्या हो गया, हमने जहाँ पर प्रभु यीशु को रखा था वहाँ का पत्थर हटा हुआ है, कहाँ गए प्रभु को लेकर लोग? वहाँ पे तो सिपाही लोग भी थे, अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो वापस लौटती है, वापस लौटकर पत्रस या उन्ना जो चेले लोग थे जाकर बोलती है वो लोग हमारे प्रभु को ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए। तो पत्रस यहुन्ना भी आते हैं देखने के लिए, देखा तो वो लोग भी जाके देखते हैं नहीं प्रभु, तो वो देखकर वो लोग अपने घर लौट गए। लेकिन आपको मालूम है मरियम मगदलिनी घर नहीं लौटी, वो वहीं पर कब्र के पास खड़ी हुई रोती ही रही। आपको मालूम है क्यों? वो प्रभु से बहुत प्यार करते थे, तो वहाँ पर खड़े रोती ही रही कि प्रभु को कहाँ ले गए। तो उसने देखा कब्र के पास 2 स्वर्गदूत सफेद वस्त्र में चमकते हुए बोलते हैं, हे नारी तू क्यों रोती है? तो वो बोलते, स्वर्गदूत जब बोले तो उसने बोला वो लोग मेरे प्रभु को ले गए, कहाँ पर ले गए मुझे मालूम नहीं है, कहाँ रखा है मुझे कुछ मालूम नहीं है, इसलिए रो रही हूँ। तो जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक आदमी था, मालूम है वो कौन था? वो प्रभु यीशु था। और प्रभु यीशु एक मालिक की तरह, आपको मालूम है मालिक, गार्डनर, मालिक की तरह दिख रहे थे। तो प्रभु यीशु ने उससे पूछा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढ रही है? तो वो, उसने सोचा ये माली है। माली सोचकर उसने बोला हे महाराज मेरे प्रभु को आपने कहीं पे रख दिया है क्या? आप बता दो, मैं उसको वहाँ से ले जाऊँगी। आप सोचकर देखो ना, ये उसने कभी नहीं सोचा यीशु जी उठा, उसको लगा यीशु मरा हुआ है और लाश है। तो सोचकर देखो ना, प्रभु से इतना प्यार करती थी कि वो तो मैं प्रभु की लाश को भी ले जाने को तैयार हूँ। लेकिन आपको मालूम है यीशु ने उसी टाइम उसको क्या बोला, मरियम, उसके नाम से पुकारा। और वो समझ गई कि एक ही है जो मुझे ऐसे पुकारता है। वो तुरंत बोल पड़ी, रब्बुनी, रब्बुनी यानी हे गुरु आप हैं, आप जिंदा हो गए। आपको मालूम है बच्चों, दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े लोग आए, सारे धर्म में सब जगह बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आपको मालूम है सिर्फ हमारा प्रभु मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। सिर्फ हमारा प्रभु जिन्होंने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। आपको मालूम है लोग बोलते ना ये मारने वाले थे, इतने ताकतवर थे, वो असली ताकतवर वो है जो खुद मरे हुए में से क्या उठा, जी उठा। प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम है मरे हुए में से जी उठे। आज भी
इसराइल में उनकी कब्र खाली है, आज भी कब्र खाली है। क्या बात बताती है, प्रभु यीशु यहाँ नहीं, वो मर कर क्या हो गए, जी उठे हैं। तो सोचो कितनी अच्छी खबर है। हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो सिर्फ मरा ही नहीं बल्कि वो मर कर क्या हुआ, जी उठा, और मरियम मगदलीनी को सबसे पहले प्रभु यीशु ने मिला। सबसे पहले प्रभु यीशु ने मरियम मगदलीनी को क्या दिए, दर्शन दिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आज याद करने वाली आयत जो है वो क्या है, प्रभु यीशु ने उससे, आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। वेरी गुड। कहां पे लिखा है ये, यूहन्ना 11 का 25। यूहन्ना 11 का 25। वेरी गुड। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, देखता हूं आपने कितना ध्यान से सुना। तो सबसे पहला सवाल है, मरियम कहां खड़ी हुई थी? वेरी गुड। मरियम कब्र के बाहर खड़ी थी। दूसरा सवाल, उसने वहां कितने स्वर्गदूतों को देखा? वेरी गुड, दो स्वर्गदूतों को देखा था। तीसरा सवाल, मरियम ने यीशु को देखकर क्या समझा? वेरी गुड, क्या समझा था, माली। चौथा सवाल, रब्बुनी का अर्थ क्या है? वेरी गुड, रब्बुनी का अर्थ है गुरु। ठीक है बच्चों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करते हैं, हाथ जोड़े और हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलेगा, प्यारे प्रभु हमारी सहायता कर कि हम आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।